सुबह शाओमी एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है अब दुनिया में से, जो कि अपने स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पे शाओमी ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की सोची गई, उसके यहाँ पे कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आई है। तो यहाँ पे पहले कुछ दिनों पहले शाओमी ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि है मी 11 गाइस। उसी का यहाँ पे नया स्मार्टफोन आने वाला गाइस जो कि होने वाला है मी 11 अल्ट्रा। उसके यहाँ पे कुछ लीक्स भी निकल के आई है, साथ ही साथ कुछ वीडियोज और फोटोज भी यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों, जो कि आज की इस वीडियो में आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले साल जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था शाओमी की ओर से मी 10 अल्ट्रा, उसमें हमें 120x का सुपर हाइब्रिड जूम देखने के लिए मिला था गाइस। उसी तरह हमें इसमें भी वही जूम देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि 120x का हाइब्रिड जूम हमें मी 11 अल्ट्रा में देखने के लिए मिलने वाला गाइस। और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन ऐसी गाइस जो कि हमें मी 10 अल्ट्रा के साथ साथ मी 11 अल्ट्रा में भी देखने के लिए मिलने वाले, जो कि था 120Hz का रिफ्रेश रेट वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ 120W का सुपर चार्जिंग का सपोर्ट भी हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन असल में बात करें यहाँ पे मी 11 अल्ट्रा के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते गाइस उसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ साथ पीछे एक साइड एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और जब गाइस यहाँ पे शाओमी के कैमरास की बात आती है जो कि हमें मी 11 अल्ट्रा में देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत ही ऑप्टिमाइज यहाँ पे शाओमी कर देता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया 8K सपोर्ट के साथ साथ हमें इसमें 4K HDR वीडियो सपोर्ट भी देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, ऐसे यहाँ पे लीक्स में निकल के आया है। और गाइस जब हम शाओमी के स्मार्टफोन की बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को कैसे भूल सकते गाइस, जो कि यहाँ पे शाओमी में हमें बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हम शाओमी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको मी 11 में क्वालकॉम की ओर से आने वाला बेस्ट प्रोसेसर जो कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर है गाइस, जो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है स्पेशली यहाँ पे गेमिंग, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है सभी तकनीकों में। तो यहाँ पे आपको इसमें ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है जो कि यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे शाओमी मी 11 में यहाँ पे पहली बार डेब्यू किया गया था, वही प्रोसेसर हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मी 11 अल्ट्रा के बारे में तो आपको इसमें 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलने वाले। और गाइस इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था आपको इसमें 120W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, इसमें आपको 67W का चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि असल में वायरलेस भी होगा और साथ ही साथ 10W का रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। आपका क्या लगता है गाइस कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई है या फिर नहीं आई है। और हाँ गाइस आपको इसमें 108MP का कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि हमें मी 11 में देखने के लिए मिल गया था, जो कि वही कैमरा इसमें भी यूज किया गया है गाइस। इसी के साथ डिस्प्ले में हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिलने वाला है, साथ ही साथ कर्व डिस्प्ले इस बार में भी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि असल में मी 11 में यूज किया गया था। और उसके ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास की हाई प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाली है। और गाइस साउंड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो आपको इसमें डुअल स्पीकर के साथ साथ हार्मन कॉर्डन का साउंड ऑप्टिमाइजेशन भी हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है, साथ ही साथ मी 10 अल्ट्रा के जैसे 120x का अल्ट्रा जूम हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, ऐसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीक्स यहाँ पे निकल के आई गाइस। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे लीक्स निकल के आई है स्मार्टफोन के बारे में जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको सेकेंडरी डिस्प्ले देखने के लिए मिला है, जो कि यहाँ पे शाओमी पहली बार यहाँ पे ला रहा है ऐसा स्मार्टफोन, जो कि दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि हमें कैमरा के बाजू में ऐसा डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है गाइस। आपको क्या लगता है गाइस क्या स्मार्टफोन हिट रहेगा या फिर फ्लॉप रहेगा कमेंट में जरूर बताइए। और यहाँ पे आपको बहुत सारी नई स्पेसिफिकेशन भी और देखने के लिए मिलने वाले गाइस, जो कि आप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और हाँ गाइस बहुत ही जल्द हमें स्मार्टफोन की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलने वाली है गाइस। तो गाइस बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है गाइस, किस कीमत पर लॉन्च होता है आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। शाओमी यहाँ पे किस कीमत पर इसे लॉन्च करेगी कमेंट मुझे जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है गाइस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।